Welcome back class. Our today's topic is types of DC generator. Okay, because we have covered EMF equation in our last lecture, so now we are going to discuss types of DC generator. So broadly, I can classify DC generator into two types. One is separately excited DC generator and other is self-excited DC generator. Separately excited and self-excited. Okay. What is this term excited? What do you understand by this term excited? If you understand this, then name will suggest the type. Separately excited, self-excited. Okay. So first, what is excitation? Okay. Excitation is nothing but how you will excite the field winding of DC generator is known as excitation. That means giving the supply to the field winding of DC generator is known as excitation, exciting the generator. Okay. You all know, I have already told in my previous lecture that there is a field winding which is bounded on the poles, so we have to give the DC supply to that field. Okay, so if we give a separate DC supply, then it is known as separately excited DC generator. And if we arrange the field winding in such a manner that it will take its own supply, that is, it takes its own EMF which it will induced into the armature, and that part of EMF has been used to excite the field winding. Okay. That means अगर separately excited generator की बात कर रहे हैं तो field winding को excite करने के लिए हमारे पास separate supply की जरूरत है. Separate DC supply हमने field winding को दे दिया, field produce हो गया, उसके बाद हमारा armature rotate करेगा, वो उस field को cut करेगा और EMF induce होगा armature conductor में. Okay. Self excited का case क्या है? Self excited के case में हमारा armature winding और field winding एक दूसरे के साथ connected होंगे. Okay. क्योंकि हमें जो आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसी का कुछ पार्ट मुझे देना है फील्ड वाइंडिंग को, अपनी ही सप्लाई को यूज कर रहा है वो अपने फील्ड को एक्साइट करने के लिए. इस वजह से मैंने बोला नाम ही सब कुछ सजेस्ट कर देगा, तो नाम से ही आपको क्लियरली पता चल जा रहा है सेपरेटली एक्साइटेड क्या है, सेल्फ एक्साइटेड क्या है. ओके, अपनी ही आर्मेचर में इंड्यूस्ड सप्लाई को वो यूज कर रहा है फील्ड को एक्साइट करने के लिए, वो हो गया आपका सेल्फ एक्साइटेड. ओके, तो सेपरेटली एक्साइटेड सेल्फ एक्साइटेड समझ में आ गया. फिर सेल्फ एक्साइटेड हम फर्दर डिवाइड करते हैं. सेल्फ एक्साइटेड में दो तीन टाइप और होता है. सबसे पहला होता है डीसी सीरीज जनरेटर. ओके, दूसरा होता है डीसी शंट जनरेटर. ओके, और तीसरा होता है डीसी कंपाउंड जनरेटर. ओके, सो ये टाइप्स है हमारे सेल्फ एक्साइटेड के, डीसी सीरीज जनरेटर. सो सीरीज जनरेटर में बेसिकली सीरीज जो होता हमारा, सीरीज का मतलब ये फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे के सीरीज में ऐड होंगे. फील्ड और आर्मेचर अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो वो डीसी सीरीज जनरेटर हो गया. फील्ड और आर्मेचर हमारा अगर शंट में कनेक्टेड है, शंट दैट इज पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो शंट जनरेटर हो गया. और कंपाउंड जनरेटर जो है उसमें फील्ड वाइंडिंग का कुछ पार्ट, फील्ड वाइंडिंग कंप्लीट वाइंडिंग को हम ना तो सीरीज में रखते हैं ना पैरेलल में, कुछ पार्ट हम सीरीज में रख देते हैं और कुछ पार्ट पैरेलल में रख देते हैं. कंपाउंड जनरेटर फिर दो टाइप में का होता है, एक होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड. लॉन्ग शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड. ठीक है, तो बेसिकली सेपरेटली एक्साइटेड तो पढ़ना नहीं है, इस पे न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आता. मोस्टली न्यूमेरिकल हमारा सीरीज और शंट पे आता है, कंपाउंड पे भी नहीं आता है फर्स्ट ईयर के फेस में, बट सीरीज और शंट पे आता है और शंट पे ज्यादातर आता है. तो मैं पहले सारे टाइप्स बताऊंगा, सबके वोल्टेज और करंट इक्वेशन लिखूंगा, और अगर आप समझ जाएंगे सिंपल करंट इक्वेशन है, केवीएल केसीएल आपको लगाने आता है, वही चीजें हैं. करंट इक्वेशन अगर आपने यूज कर लिया, वोल्टेज इक्वेशन आपको समझ में आ गई, तो फिर सिंपल न्यूमेरिकल है. और यही सेम चीज क्यों इस टॉपिक पे यहाँ इतना इम्फेसाइज करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक आपको यहीं पे क्लियर हो जाए.
क्योंकि यही टाइप्स आपको फिर मोटर में पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर जैसे मैंने पहले लिख दिया था, मैंने कट किया, तो मोटर्स में भी यही टाइप होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेम है, वहां भी आर्मेचर है, फील्ड को सप्लाई देनी पड़ेगी, वो जब मैं मोटर का वर्किंग डिस्कस करूंगा तो वन बाय वन समझाऊंगा। ओके, तो टाइप्स अगेन वहां भी सीरीज संट ये सब आएगा, ठीक है। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन, फर्स्ट वी विल डिस्कस सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ओके, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ओके, दिस रिप्रेजेंट्स द आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर एंड दिस रिप्रेजेंट, दिस इज अ वाइंडिंग, सो दिस रिप्रेजेंट्स फील्ड वाइंडिंग ऑफ डीसी जनरेटर। ओके, सो क्लियरली मेंशन दैट दिस जनरेटर इज सेपरेटली एक्साइटेड, सो वी हैव गिव्ड अ सेपरेट डीसी सप्लाई टू द फील्ड वाइंडिंग। एज यू कैन सी, सेपरेट डीसी सप्लाई इज गिवन टू द फील्ड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ओके, सो फील्ड वाइंडिंग इज देयर, डीसी सप्लाई इज गिवन टू द फील्ड वाइंडिंग। नाउ वी हैव आर्मेचर, दिस सर्कुलर दिस थिंग इज आर्मेचर। ओके, एंड एज यू नो आर्मेचर हैज कम्यूटेटर और एंड देन कम्यूटेटर इज कनेक्टेड विद ब्रूस, सो दीज आर द ब्रूस, दीज टू ब्रूसेज आर देयर। ओके, नाउ आर्मेचर ऑल्सो कैरीज वाइंडिंग, सो दैट वाइंडिंग हैव सम रेजिस्टेंस ऑल्सो। ओके, सो आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो मैंने आर एज्यूम कर लिया, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग भी कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर होगा, तो उसको वाइंड किया गया है पूरा, तो उसका मैंने रेजिस्टेंस जो एज्यूम किया वो आर है, ठीक है। और ईएमएफ किस में इंड्यूस होता है, आर्मेचर कंडक्टर में, तो आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसकी वैल्यू ई है, कैपिटल ई, और जिसका डेरिवेशन हमने अभी किया था, ई की वैल्यू कितनी होती है, ई बराबर फाइ जेड एन पी अपॉन 60 ए, ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ई यहां पे। ओके, और फिर क्या हुआ, आर्मेचर से मुझे आउटपुट लेना है, क्योंकि आर्मेचर तो रोटेट कर रहा, तो आउटपुट मैंने कार्बन ब्रश के थ्रू लिया, कार्बन ब्रश स्टेशनरी कॉन्टेक्ट बनाएगा और आउटपुट लिया। अब इस पे मैंने लोड कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिकल लोड, कोई भी अप्लायंसेस हो सकते हैं, डीसी अप्लायंसेस जो कि इस पे कनेक्टेड है, तो जस्ट मैंने एक ब्लॉक से लिख दिया लोड। ओके, वोल्टेज सोर्स, क्लोज पाथ, यहां पे ये ईएमएफ एज अ वोल्टेज सोर्स, देखो एक बैटरी लगी हुई है, सपोज करो डीसी सर्किट को याद करो, और पूरा क्लोज पाथ, तो करंट फ्लो होना चाहिए, जब भी क्लोज पाथ होगा तो करंट फ्लो करेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। और मैंने माना जो लोड पे वोल्टेज मिल रहा है वी लोड है, तो मैंने उसको वी एल शो कर दिया। ओके, और जो करंट यहां आर्मेचर से, क्योंकि करंट का फ्लो कहां होगा, आर्मेचर से लोड की तरफ करंट जाएगा, तो करंट का फ्लो जो है ये आई ए, और जो लोड पे करंट पहुंचा आई एल यहां पे। ओके, पोलैरिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं, ये तो सिंबॉलिकली ही दिख रहा है प्लस माइनस, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट, जो लार्जर प्लेट होती है वो पॉजिटिव और जो स्मॉलर प्लेट होती है वो नेगेटिव, तो मैंने ईएमएफ का वो, क्योंकि डीसी जनरेटर है तो डीसी ईएमएफ है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने ऐसे शो कर दिया, आर ए आर्मेचर का रेजिस्टेंस। फिर करंट यहां लोड पे फ्लो कर रही है, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे, तो वीएल के लिए यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, पोलैरिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब सिंपली दो लाइन में मैं इसका जनरेटर का सबसे पहले करंट इक्वेशन लिख रहा हूं, तो आई ए जो कि आर्मेचर से करंट निकला, वही टोटल करंट एक ही पाथ है हमारे पास, तो जो भी आई ए होगा वो लोड पे पहुंच रहा है, जो भी आर्मेचर की करंट होगी वो यहां से पहुंचती है फिर वापस आएगी, ऐसे सर्कुलेट करेगी, तो दैट मीन्स आई ए बराबर आई एल, क्लियर है, आइए बराबर आइए, आइए बराबर आइए। ओके, कोई डाउट है, सिंपल है ये। अब इसके लिए मैं केवीएल लगा दूंगा, वोल्टेज इक्वेशन के लिए यहां से यहां तक केवीएल लगा दीजिए, यहां से सपोज शुरू किया मैंने, सबसे पहले ई, तो माइनस ई, ओके माइनस ई प्लस इस आरए में कितनी करंट है, ये आईए करंट ही तो आरए में है, ये ही करंट तो है। ओके, तो करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो प्लस आईए आरए, प्लस यहां से आगे बढ़ा, यहां इसका प्लस, वो प्लस क्योंकि प्लस साइन पहले पड़ रहा है, जो साइन पहले पड़ता है वो साइन ले, जैसे यहां माइनस पड़ा था माइनस साइन ले लिया था, यहां प्लस पड़ रहा है तो प्लस साइन, प्लस वीएल, यहां से चला ये वोल्टेज, यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज, सबका सम जीरो, केवीएल, मैंने केवीएल अप्लाई किया है इस लूप में। ओके, तो माइनस ई प्लस आई आर ए प्लस वी एल इक्वल टू जीरो, और ई इक्वल टू वी एल प्लस आई ए आर ए,
यहां पे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया निग्लेक्टिंग निग्लेक्टिंग वी ब्रश, निग्लेक्टिंग वी ब्रश, ओके। सो ई इक्वल टू वी एल प्लस आई ए आर है, एंड इफ वी कंसिडर ब्रश ड्रॉप ऑल्सो तो देन ई इक्वल टू वी एल प्लस आई ए आर ए प्लस वी ब्रश इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच ब्रश, देन वी हैव टू ब्रश, सो देन वी विल राइट इट एज इक्वल टू वी एल प्लस आई आर ए प्लस टू वी बी। वी बी वी ब्रश और वी बी, वॉट इज वी बी, देयर इज ऑल्सो अ वोल्टेज ड्रॉप ऑन दिस कॉन्टेक्ट, दिस आर्मेचर दिस कार्बन ब्रश ऑल्सो ऑफर सम रेजिस्टेंस, ओके दिस कार्बन ब्रश, सो देयर विल बी अ वोल्टेज ड्रॉप हियर ऑल्सो, टोटल वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इज ई, ओके सपोज 100 वोल्ट इंड्यूस्ड हुआ हमारे पास, अगर कोई यहां पे रेजिस्टेंस जीरो हो, यहां ब्रश पे ड्रॉप जीरो हो, तो टोटल 100 वोल्ट लोड पे ट्रांसफर होगा, टोटल 100 वोल्ट मुझे लोड पे मिलेगा, बट क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है यहां भी कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, सपोज 5 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो 95 मिलेगा, इस ब्रश पे भी सपोज 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो 94 मिलेगा ना, दोनों ब्रश का मिला के अगर सपोज 0.5 यहां पे ड्रॉप हुआ 0.5 यहां पे, दैट इज टोटल ड्रॉप 1 वोल्ट का यहां ब्रश पे भी हो रहा है, 100 वोल्ट इंड्यूस हुआ, 5 वोल्ट यहां ड्रॉप हो गया आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस में, और आधा वोल्ट यहां पे और 0.5 वोल्ट यहां पे, टोटल कितना हो गया 5 और एक 6 वोल्ट का ड्रॉप, तो 94 आउटपुट पे मिलेगा, तो वही लिखा है ई 100 था, वी एल 94 प्लस 5 प्लस 1 100 है ना, ओके आया समझ में, ओके। सो दिस इज द करेंट एंड वोल्टेज इक्वेशन फॉर सेपरेटली एक्साइटेड, ओके दिस इज द डायग्राम फॉर द सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर एंड दिस इज द वोल्टेज एंड करेंट रिलेशन विच इज वेरी सिंपल, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, जस्ट अप्लाई द केवीएल एंड केसीएल, बिकॉज देयर इज ओनली वन पाथ, नो नीड टू अप्लाई द केसीएल, यू कैन क्लियरली सी आई ए इक्वल्स टू आई एल एंड जस्ट अप्लाई द केवीएल, यू विल गेट द वोल्टेज रिलेशन, ओके। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर एंड इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर आई विल डिस्कस फर्स्ट डीसी सीरीज जनरेटर, ओके डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, सो देन अगेन आई हैव आर्मेचर, आई हैव कार्बन ब्रश, ओके आर्मेचर वाइंडिंग हैज सम रेजिस्टेंस विच इज आर ए, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर इज कैपिटल ई, आर ए इज द रेजिस्टेंस, दिस इज जस्ट सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर ए, एंड वी हैव फील्ड वाइंडिंग ऑल्सो एंड वी आर यूजिंग सीरीज जनरेटर, सो फील्ड वाइंडिंग मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर, दिस इज सीरीज कनेक्शन, दिस फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर एंड देन लोड इज कनेक्टेड, ओके। सो ये आपका फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग आई एम राइटिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग एंड दिस इज आर्मेचर, यू ऑल नो दिस इज कार्बन ब्रश, ओके। और आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आ रहे हैं, सिमिलरली सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मैंने आर एस ई, एस ई स्टैंड फॉर सीरीज, आर एस ई एज्यूम कर लिया, ओके करंट एज्यूम कर लेते हैं, आर्मेचर की करंट आई ए और जो फील्ड वाइंडिंग में करंट जो यहां पे मैं लिख देता हूं आई एस ई, दिख रहा है विजिबल है आई एस ई, ये करंट है और जो लोड पे करंट है वो आई एल है और जो लोड की वोल्टेज है वो वी एल है, वोल्टेज की पोलैरिटी प्लस माइनस, इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस, तो अगेन क्लियरली आई ए इक्वल टू आई एल इक्वल टू आई एस ई,
एक ही पाथ है, एक ही करंट है, तीनों करंट सेम होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। वोल्टेज इक्वेशन के लिए यहां से यहां केवीएल लगा रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलो मैं केवीएल लगा देता हूं, माइनस ई प्लस आई ए आर ए, यहां से बड़ा माइनस ई आई ए आर ए, फिर यहां आई ए आर एस ई, करंट तो आई ए ही है और रेजिस्टेंस वाइंडिंग का आई ए और रेजिस्टेंस आर एस ई, ठीक है ना, यहां का रेजिस्टेंस आर ए, यहां का रेजिस्टेंस आर एस ई, ओके, बस आई ए आर एस ई इक्वल टू जीरो, नहीं प्लस, यहां से ये प्लस वी एल इक्वल टू जीरो, ओके, तो वी एल सॉरी ई इक्वल टू वी एल प्लस आई ए आर ए, आई ए आई एम टेकिंग आई ए कॉमन, आर ए आई ए आर ए प्लस आर एस ई, एंड ऑफ कोर्स आई एम निगलेक्टिंग द ब्रूस ड्रॉप, अदरवाइज आई विल एड टू वी बी और ई इक्वल टू वी एल प्लस आई ए आर ए प्लस आर एस ई प्लस टू वी ब्रूश, ई इक्वल टू वी एल। सो नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज डी सी सेंट जनरेटर, डीसी संट जनरेटर, ओके, डीसी संट जनरेटर। सो अगेन डायग्राम इज वेरी इजी, जस्ट ड्रॉ आर्मेचर विथ अ सर्कुलर डायग्राम, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन आर्मेचर इज ई, रेजिस्टेंस इज आर ए, ब्रश जस्ट पुट द ब्रश, दिस इज आर्मेचर, ओके, दिस इज संट जनरेटर, सो फील्ड वाइंडिंग, दिस इज फील्ड वाइंडिंग, ओके, दिस इज फील्ड वाइंडिंग एंड दिस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर, दिस इज आर्मेचर, दिस कंप्लीट थिंग इज आर्मेचर, ओके, दिस इज आर्मेचर एंड दिस इज फील्ड वाइंडिंग, सो दिस टू थिंग्स विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल, सो कनेक्टेड इन पैरेलल एंड दिस विल बिकम डीसी संट जनरेटर, एंड इन दिस सर्किट what we will connect, we will connect load in this circuit, okay, this is load, again voltage current all we have to show, okay, this winding has some resistance, this armature winding has resistance ra, similar way mein field winding ka resistance rsh, field shunt field winding ka resistance rsh, okay, this is shunt फील्ड वाइंडिंग, ओके, सो अगेन आर्मेचर से टोटल करंट आईए है, ओके, सो नाउ आईए का मेजर पार्ट तो हमारा लोड में जा रहा है, लेकिन रिमेनिंग पार्ट, कुछ फ्रैक्शन पार्ट आपका फील्ड वाइंडिंग में जा रहा है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेगा, यही तो सेल्फ एक्साइटेड है, यहां भी, यहां पे क्या डिफरेंस है, सीरीज वाले में पूरा का पूरा आर्मेचर करंट आपका फील्ड में जा रहा है और लोड से होता है वो वापस आ रहा है, लेकिन शंट में क्या है, आर्मेचर करंट का कुछ पार्ट लोड में और कुछ पार्ट फील्ड में, ऐसे, ओके, ये वोल्टेज की पोलरिटी भी मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस, यहाँ आउटपुट वोल्टेज या लोड वोल्टेज जो है वो वी एल है, प्लस माइनस, क्लियर। सबसे पहले करंट इक्वेशन, आई ए मस्ट इक्वल्स टू आई एल प्लस आई एस एच, ये होगा क्योंकि इस पॉइंट पे केसीएल लगा दो, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, आई ए इज द इनकमिंग करंट, आई एल आई एस एच मस्ट इक्वल टू आई ए, तो आई ए इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच, एंड आई एस एच की वैल्यू क्या होगी, अगर यहां से यहां का वोल्टेज पता हो तो आई इक्वल टू वी बाई आर, आई मस्ट बी इक्वल टू वी बाई आर, तो यहां से यहां का वोल्टेज क्या होगा, ये वोल्टेज कितना होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो जो वोल्टेज वी एल है वही तो यहां पे होगा, पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो आई एस एच इक्वल टू वी एल अपॉन आर एस एच, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तभी संट के न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे, ओके, ध्यान में कुछ भी नहीं, कोई भी चीजें याद करने की नहीं है, समझ जाएंगे तो सब चीजें हो जाएंगे, तो आई एल इक्वल टू आई एस एच यहां से आ रहा है,
सो नेक्स्ट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वोल्टेज इक्वेशन। तो वोल्टेज इक्वेशन आपको यहां पे केवल लगा के मिल जाएगा, यही तो करते आ रहे हैं हम। तो सिंपली माइनस ई प्लस आई ए आर ए माइनस ई, यहाँ रेजिस्टेंस पड़ा आई आर ए, फिर आगे पड़ा वी एल प्लस वी एल इक्वस टू जीरो। तो ई इक्वस टू वी एल प्लस आई ए आर ए, ऑफकोर्स वी ब्रूस नहीं मैंने कंसीडर किया है, यहाँ निगलेक्टिंग वी ब्रूस है, वी ब्रूस और ई इक्वस टू वी एल प्लस आई ए आर ए प्लस टू वी ब्रूस, क्योंकि दो ब्रूस हैं हमारे पास और एक ब्रूस के अक्रॉस ड्रॉप अगर वी भी है तो टोटल टू वी भी। तो ये हमारा डीसी शंट जनरेटर का वोल्टेज करंट इक्वेशन है। शंट जनरेटर पे, शंट मोटर पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसे क्लियरली समझ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डायग्राम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डायग्राम सेम है, आर्मेचर है, फील्ड है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया, आर्मेचर से करंट निकली, टोटल करंट आई ए, वो डिवाइड हुई फर्दर हमारी लोड पे आई एल और इधर आई एस एच। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मैंने अज्यूम किया आर एस एच, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर ए है, केसीएल अप्लाई किया आई ए इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच। आई एस एच कैसे फाइंड आउट किया, वोल्टेज क्योंकि वी एल यहाँ पे है तो वी एल यहाँ पे होगा, आई एस एच इक्वल टू वी एल ओवर आर एस एच। फिर उसके बाद इस लूप में केवीएल अप्लाई किया, तो ये क्वेश्चन। ओके, तो डीसी जनरेटर के टाइप्स में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि इस पे ही बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। सो इस लेक्चर में इतना बहुत है। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, अब मैं डीसी मोटर स्टार्ट करूंगा, डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, देन टॉर्क इक्वेशन और टाइप्स। यही डीसी सीरीज और डीसी शंट जैसे जनरेटर पढ़ा है वैसे डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर पढ़ेंगे और डीसी मोटर पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट डीसी मोटर। थैंक यू।